प्रणाली एंड वेलकम टू भरोस किचन। और आज मैं बनाने वाली हूँ एग बिरयानी। नाम सुनते ही आप सभी को लग रहा होगा कि बस अब खाने की देरी है। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी बनता है और बहुत इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग बिरयानी के लिए आपको लगेंगे एग्स, तो मैं यहाँ पे 4 एग्स का यूज़ करूँगी। पहले इसको बॉयल कर लेना है। हल्का सा नमक डालूँगी पानी में और इसे बॉयल करने के लिए रख लूँगी। 10 मिनट में आपके अंडे बॉयल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे अंडों को अच्छे से बॉयल कर लूँगी पहले, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करूँगी। उसके पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हमें एक बड़ा पतीला, हांडी या फिर कुकर का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके पहले हमें एग्स पे कट लगा लेना है, ताकि जब हम एग्स को फ्राई करेंगे तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मसाले चले जाए। और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, मिर्ची कट करके रख ली हूँ। और अब मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ करूँगी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा और मसाला और नमक डालूँगी इसमें। और उसके बाद अंडे को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अंडे को पहले फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छे नहीं लगेंगे जब आप एग बिरयानी में कच्चे अंडे डालेंगे। तो इसीलिए मैं इसे पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद बिरयानी बनाने का प्रोसेस करूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजिली बनने वाला है, आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको पता चलेगा कि इतने ईजिली आप एग बिरयानी घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई या हांडी का हम यूज़ करने वाले हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुकर यूज़ की हूँ, आप चाहे तो कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुकर में सीटी नहीं दिलाऊंगी, आप चाहे तो सीटी दे के भी कुकर में बना सकते हैं बिरयानी, लेकिन मैं ये थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे 2 कप बिरयानी राइस लूँगी और बिरयानी राइस को पहले अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद उसे आधे घंटे के लिए भिगोने रख दूँगी, ताकि बिरयानी राइस में मैं बाल में बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी और ये भीगा हुआ रहेगा तो बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे सारे कटे हुए सब्जी है, मैंने यहाँ पे खड़ा गरम मसाला ली हूँ, ये से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपकी बिरयानी की। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे मिर्ची ली हूँ, आप मिर्ची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें करना है बिरयानी बनाने की तैयारी, जिसके लिए हमें सेम कढ़ाई को चढ़ाना है। उसमें हम ऐड करेंगे खड़ा मसाला जो हमने गरम मसाला लिया हुआ था, और प्याज भी डाल देंगे। प्याज मिर्ची पहले हमें फ्राई कर लेना है, इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे और फ्राई करेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। कैसा लग रहा है अब तक का वीडियो? आपको बहुत ही बढ़िया बनने वाला है ये बिरयानी, तो एंड तक बने रहिए। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज है मेरे अकाउंट में, तो जल्दी जाइए और चेकआउट कर लीजिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दी हूँ। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर तक पकाना है, क्योंकि बाद में भी ये पानी में पकने ही वाला है। और जैसे ही थोड़ी देर ये पक जाए, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी 1 टीस्पून ऐड की हूँ और यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ और नमक स्वाद अनुसार। इसमें आप जीरा मसाला और धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मसाले जैसे ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे और राइस को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके पहले हमें इसमें थोड़ा सा दही डालना है, क्योंकि दही से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही डाल दी हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये पक चुका है और तेल छोड़ चुका है। जब ये तेल छोड़ते, उसके बाद अब धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड कीजिए और उसके बाद इसमें राइस डाल दीजिए। जब आपको कहीं बाहर जाने का मन ना हो और घर पे ही कुछ बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का मन हो, तो कुछ इसी तरह से आप बिरयानी बना सकते हैं, क्योंकि बिरयानी हर किसी का फेवरेट होता है। आप वेज बिरयानी भी बना सकते हैं, सेम वे से बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसमें, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स लगेंगे बहुत सारे। बट एग बिरयानी आप बहुत ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि एग्स तो हर किसी के घर में रहता है। और अब आप देख सकते हैं कि चावल को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पे पानी डालूँगी, जितना कप आपने चावल लिया था उतना ही कप आप इसमें पानी डालिए। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, क्योंकि उससे ये गीला हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा दूध ऐड की हूँ एडिशनल टेस्ट के लिए, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें अंडे डाल दिए, थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, क्योंकि घी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह आपको रख देना है।
इसे हम ढक के रखेंगे। मैं यहाँ पे एक ऐसा ढक्कन यूज़ कर रही हूँ जिससे आराम से एयर निकल जाए। आप चाहे तो हाफ ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बिरयानी बनके तैयार हो गया है। चावल बिल्कुल भी फरारा सा है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ये। मैं अब इसे सर्व करके बताऊंगी और आप यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि बस अब जाना है और इसे बनाना है। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको ये एग बिरयानी। कुछ इसी तरह से मैं इसे सर्व करूंगी, रायता के साथ मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। आप चाहे तो एडिशनल चटनी बना सकते हैं या फिर जनरली हम रायता के साथ ही इसे खाते हैं, बट आपको अगर चाहिए तो आप कुछ भी एडिशनल में ले सकते हैं इसके ऊपर से। और यहाँ पे हमने बिरयानी को बहुत अच्छे से सर्व कर लिया और ये फाइनली तैयार है खाने के लिए। अब बस इंतज़ार नहीं हो रहा है और इसे खाने की इच्छा हो रही है। तो इसी तरह से आप भी घर पे बनाइए एग बिरयानी। आप चिकन बिरयानी का भी वीडियो देख सकते हैं, मेरे अकाउंट में उसका भी वीडियो है। और चिकन बिरयानी मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा अलग तरीके से भी बना के दिखाऊंगी। तो इसी तरह से ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे ताकि मैं आगे और भी अच्छा चीज़ बना सकूँ। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, मैं वो रेसिपी जरूर बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।